हे गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्राइम से जुड़े 50 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स जो कि आपको अक्सर टीवी में या न्यूज़पेपर में देखने और सुनने को मिलते हैं। ये वर्ड्स बहुत ही यूज़फुल है और ये आपके डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते समय बहुत ही हेल्प करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला वर्ड है क्राइम। क्राइम यानी अपराध, यानी किसी तरह का जुर्म। अगला वर्ड है क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी अपराधी। ब्राइब। ब्राइब इसका मतलब होता है रिश्वत। एविडेंस। एविडेंस यानी सबूत। अरेस्ट। अरेस्ट गिरफ्तारी। सस्पेक्ट। सस्पेक्ट इसका मतलब होता है संदेहित, यानी जिसके ऊपर किसी जुर्म का शक होता है उन्हें हम इंग्लिश में सस्पेक्ट कहते हैं। अगला वर्ड है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच। जांच करने को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अगला वर्ड है लॉ। लॉ मतलब कानून। विटनेस। विटनेस मतलब गवाह। इंटरोगेशन। इंटरोगेशन यानी पूछताछ। अगला वर्ड है इनोसेंट। इनोसेंट मतलब बेगुनाह। असल्ट। असल्ट यानी हमला। मर्डर। मर्डर हत्या। सुसाइड। सुसाइड यानी आत्महत्या। खुद की जान लेने को हम इंग्लिश में सुसाइड कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र या साजिश, यानी कुछ लोग मिलकर कुछ इलीगल करने के लिए या किसी को चोट पहुंचाने के लिए कोई प्लानिंग या योजना बनाने को हम इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। अगला वर्ड है प्रिजन। प्रिजन यानी जेल। कॉप। कॉप मतलब पुलिस। प्रिजनर। प्रिजनर मतलब कैदी। बेल। बेल जमानत। रॉबरी। रॉबरी यानी डकैती। करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। स्मगलिंग। स्मगलिंग यानी तस्करी, यानी कोई इलीगल चीज़ों को हम इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने को स्मगलिंग कहते हैं। अगला वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी। लीगल। लीगल कानूनी। इलीगल। इलीगल मतलब गैर कानूनी। गिल्टी।
गिल्टी दोषी, थीफ थीफ मतलब चोर, थेफ्ट थेफ्ट मतलब चोरी, किडनैप किडनैप मतलब अपहरण, होमसाइड होमसाइड मतलब मानव हत्या, एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन मतलब जबरदस्ती वसूली करना, नरकोटिक्स नरकोटिक्स मतलब नशीली दवाइयाँ, एनमिटी एनमिटी मतलब दुश्मनी, इंसल्ट इंसल्ट अपमान, डिस्प्यूट डिस्प्यूट मतलब वाद विवाद, रेप रेप यानी बलात्कार, ऑफेंस ऑफेंस मतलब जुर्म या गुनाह, कोर्ट कोर्ट अदालत, फाइन फाइन मतलब जुर्माना, लॉयर लॉयर यानी वकील, जज जज यानी न्यायाधीश, कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, विक्टिम विक्टिम मतलब पीड़ित व्यक्ति, जिसके ऊपर जुर्म होता है उस व्यक्ति को हम विक्टिम कहते हैं। अगला वर्ड है रिवेंज रिवेंज यानी बदला, रेस्क्यू रेस्क्यू बचाव, मिलिटेंट मिलिटेंट मतलब उग्रवादी, टेररिज्म टेररिज्म यानी आतंकवाद, टेररिस्ट टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, साइबर क्राइम साइबर क्राइम इसका मतलब होता है साइबर अपराध, यानी कंप्यूटर के माध्यम से कोई गैर कानूनी काम करने को हम साइबर क्राइम कहते हैं। मोलेस्टेशन मोलेस्टेशन मतलब छेड़छाड़, छेड़छाड़ करने को इंग्लिश में मोलेस्टेशन कहते हैं। हरासमेंट हरासमेंट मतलब उत्पीड़न, किसी को परेशान करना, गाली देना, मारना, इसको हम इंग्लिश में हरासमेंट कहते हैं। अगला वर्ड है हॉस्टेज हॉस्टेज मतलब बंधक, जिस व्यक्ति को कोई क्रिमिनल या टेररिस्ट बंदी बना लेते हैं उस व्यक्ति को हम बंदी यानी इंग्लिश में हॉस्टेज कहते हैं। रैंसम रैंसम मतलब फिरौती, जब कोई टेररिस्ट या क्रिमिनल किसी को बंदी बनाने के बाद
उसके तौर पर कोई डिमांड करता है तो उसे हम रैंसम कहते हैं। तो ये थे गाइस आज के कुछ क्राइम से जुड़े यूजफुल डेली यूज वर्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। और गाइस अगर आप मेरे और भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को कभी मिस ना कर सके। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहिएगा। सी यू गाइस, बाय बाय।